धम्म पद गाथा क्रमांक 178 178। आज दिनांक 14 सितंबर 2020। ये धम्म पद की गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है और तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में रहते समय अनाथ पिंडिक का जो लड़का, उनके संबंध में उनको उद्देश करके ये गाथा कही है। तथागत बुद्ध जेतवन में रहते थे, श्रावस्ती के बुद्ध विहार में। तो अनाथ पिंडक, ये तो बहुत बड़ा बौद्ध धम्म का दायक रहा है, बहुत सपोर्टर रहा है और भिक्षु संघ को बहुत उन्होंने भोजन दान की व्यवस्था की, विहार बनवाया, सपोर्ट की, सब करते रहा है। उनकी बुद्ध धम्म पर बड़ी दृढ़ और बड़ी गाढ़ निष्ठा थी। लेकिन उनका पुत्र था काल नाम का, तो एक काल नाम का पुत्र अनाथ पिंडिक का, उन्हें कोई धम्म में श्रद्धा नहीं, उन्हें कोई आस्था नहीं। वो कभी बुद्ध विहार नहीं जाता, कभी कोई अष्टसील का पालन नहीं करता, कभी वो कोई बुद्ध के दर्शन के लिए वो नहीं जाता, कभी कोई कार्यक्रम में नहीं जाता है। तो वो बड़ा अपने ही ढंग से जीने वाला है, जैसा मन में आया वैसा रहना है, जैसा मन में आया वैसा करना, आलस में सोकर निंद्रा में ऐसे वैसे समय को बिताना। कोई धम्मों के प्रति उनके मन में कतई आस्था नहीं थी, कोई उसके मन में श्रद्धा नहीं, कोई उसके मन में प्यार नहीं, प्रेम नहीं धम्म के बारे में। तो उनके पिता ये बड़े चिंतित थे, अनाथ पिंडक, कि मैं तो इतना कर रहा हूं, इतने लोग धम्म का लाभ लेते हैं, लेकिन ये मेरा बेटा, मेरा लड़का, ये जो विहार नहीं जाता, कोई धम्म की बात नहीं सुनता, तो क्या करूं? मेरे रहते हुए यदि ऐसा नरक गामी रास्ते से जा रहा है, दुर्गति के रास्ते से जा रहा है, धम्म से दूर जा रहा है, मेरे जीते जी मेरे सामने यदि ये दूर जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं। इसे किसी तरह धम्म के रास्ते पर लाना चाहिए, तो उसका उद्धार हो जाएगा। मैं जो उसका पिता हूं, मेरे पिताजी होने के नाते मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने जीते जी अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को सद्धम्म के रास्ते पर लाऊं। अन्य रास्ते से जाने के लिए मैं मना करूं, वहां से रोकूं? यदि मैंने नहीं रोका, मेरे जीवन काल में नहीं रोका, तो क्या मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा बदल जाएगा? वो तो दुर्गति में ही जाने वाला है। तो इसलिए बड़ा चिंतित अनाथ पिंडक सोच रहा, क्या करूं? सुनता भी नहीं हो। तो एक उनके मन में बात आ गई। अब देखो, उन दिनों की एक प्रथा भी थी कि घर के मालिक तो पिताजी होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनके पास धन दौलत रहा करती थी। एक ही व्यक्ति वो तिजोरी संभालता था, बाकी किसी के पास नहीं। तो इनको लगने लगा, अब पैसा तो बहुत था इनके पास, करोड़ों करोड़ों की जायदाद थी, लेकिन वही मालिक था और जो प्रथा थी वही संचालन करता था उसका, क्योंकि लड़का भी उतना अच्छा नहीं था उसका उस समय। तो यह सोच रहा कि कैसे करूं, तो उनके मन में एक बात आ गई, चलो लड़के को उसने बुलाया, कई बार समझाने का प्रयास किया कि बेटा जाया करो, जाते रहो। कई बार उन्होंने उनको समझाया, कई बार परामर्श किया, लेकिन वो सुनता ही नहीं लड़का।
अब क्या करे, सुनता नहीं, जाता नहीं, तो ये तो परेशान हो गया। लेकिन अब उनके मन में एक उपाय आ गया। उसने सोचा कि इनको उपोषित व्रत में जाने के लिए मैं 100 सुवर्ण मुद्रा दूंगा, 100 कारसापन दूंगा। ऐसा यदि लड़के को बोल दिया जाए तो लड़का धन के मोह से वो जाएगा। तो उसने बुलाया लड़के को, बेटो बेटा तुम ऐसे करो, कल उपोषित व्रत का दिन है, तुम बुद्ध विहार जाओ। तुम बुद्ध विहार जाओगे तो मैं तुम्हें 100 सुवर्ण मुद्रा दूंगा। तो ये सुनकर वो बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि पिताजी क्या सही में देंगे आप मुझे? हाँ जरूर दूंगा। 2 बार 3 बार उसने पूछा कि क्या देंगे मुझे आप? हाँ दूंगा। तो ऐसा करके उसने तैयारी की और वो मुद्रा के लोभ से 100 सुवर्ण मुद्रा मिलने वाली है। उस लोभ से वो गया विहार में अष्टशील का पालन करने। सुबह गया और अष्टशील के पालन का जो उस समय नियम था कि विहार में ही वो 24 घंटे बिताए, रात वहीं बिताए, सुबह से जाकर रात भर वहीं रहे और फिर दूसरे दिन सुबह वापस आ जाए, ऐसा नियम था। तो ये गया, सुबह से गया अष्टशील के नाम से। और वहां जाकर उसने जहां कहीं जगह देखी और कहीं तो बेहोश हो गया। फिर सोने के बाद जब सुबह हो गई तो सुबह होकर जब लोग बिहार से जाने निकले, ये भी अपने घर चला गया बिहार से और जाकर पिताजी को कहने लगा। तो पिताजी ने जब वो आया है अष्टशील का पालन करके, तो पिताजी ने कहा अरे उनके लिए जलपान की व्यवस्था करो, जल्दी जलपान करो, ये करो वो करो। तो जलपान की व्यवस्था कर रहे तो जलपान कह रहा है नहीं जलपान तो मैं बाद में लूंगा, वो हाथ नहीं लगाता जलपान को, मुझे पहले 100 कारसापन दे दो। तो पिताजी ने सोचा ये बिना पैसे से नहीं मानने वाला, तो दिया 100 कारसापन। 100 कारसापन देने के बाद उसने जलपान कर लिया। अब ये जलपान करने के बाद अब दूसरे दिन उनको कहता है कि बेटा तुम आज भी जाओ, आज बुद्ध से एक गाथा सीख कर आ जाओ तो मैं तुम्हें 100 कारसापन और भी दूंगा। तो कारसापन के लोभ से कि और मुझे 100 मिल रहे जाऊंगा मैं, तो जाकर वो अपने मन में संकल्प करता है जाऊंगा मैं सुनूंगा, पहले सुनना तो चाहिए, जाऊंगा मैं सुनूंगा क्या बुद्ध बताते हैं सुनूंगा। वो कभी बुद्ध के पास जाता नहीं था तो जाऊंगा सुनूंगा। अब गया और जाने के बाद बुद्ध को वंदन किया, मिला और बुद्ध ने ये गाथा बताई। तो वो गाथा का पहला पद सुन लिया और अब उठकर चलने लगा, मूड बना लिया जाने का, ठीक है मुझे जाने के लिए कहा, सुनने के लिए कहा, हो गया मेरा सुनकर। तो बुद्ध ने कुछ नाराजी प्रकट की उनके हाव भाव से, तो उन्हें लगा कि अरे मैं जाता हूँ तो भगवान बुद्ध को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा बैठू दूसरा भी पद तो सुन लू। तो उसने दूसरा पद भी सुन लिया। अब जब दूसरा सुना तो पहला उनको याद नहीं, क्योंकि मन लगाकर वो नहीं सुनता था, पैसा का लालच, पैसा मुझे मिलेगा। तो किसी तरह उसने सुना और सुनकर याद करने का जब समझ आया तो एक ही पद याद किया और ठीक है मैंने सीख लिया सुन लिया करके बोलकर चला गया घर। घर जाकर पिताजी बड़े प्रसन्न, अरे ये नहीं जाने वाला लड़का जाने लगा, कल उपोषित के लिए गया था। अब इनको पता नहीं कि उपोषित ठीक से करता है या नहीं, ठीक से सीखता है या नहीं, लेकिन पिताजी बड़े प्रसन्न, ठीक है भाई जाने लगा सीखने लगा, उनको 100 कारसापन दे दिया। तो इस प्रकार उनको जाने के लिए तुम जाओ मैं 100 कारसापन देता हूँ, जाओ तुम 100 कारसापन देता हूँ। तो देखो पिताजी की
भावना है, कैसे अपने लड़के को धम्म मार्ग पर अनाथ पिंडट लाते हैं, तो ये पैसे देने लगा। अब वो भी लड़का सोचने लगा कि देखो मैं तो, मुझे सीखना है ना, सुनना है ना, पहले तो सुनूंगा तब मैं सीखूंगा, तो बिना सुने पाठांतर में कैसे कर सकता हूं, तो पहले सुनना है, सीखना है, मुझे सुनना है, मुझे सीखना है, यही शब्द रटते रहा, मुझे सुनना है, मुझे सीखना है, मुझे सुनना है, मुझे सीखना है, ये दो शब्द सुनूंगा सीखूंगा सुनूंगा सीखूंगा ऐसा मन में रटते रटते वो जाने लगा, और जाकर फिर बुद्ध के पास जाकर वो गाथा धीरे धीरे सीखने लगा। अब बुद्ध के सानिध्य में आया, धम्म के सानिध्य में आया, तो पहले वो जो आनाकानी करता था, टालने का प्रयास करता था, अब धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट लगने लगा, और अब वो उपोषित व्रत का पालन करने लगा। तो उपोषित व्रत का पालन करते करते उसका जो लाभ है, उपोषित व्रत पालन करने का, शील पालन करने का जो लाभ मिलता है, वो लाभ उसे मिलने लगा, और जैसा लाभ मिलता है वो धीरे 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 सुनूंगा सीखूंगा सुनूंगा सीखूंगा इस प्रकार से वो सोचता है। और अब मुझे 1000 कारसापन मिलने वाले हैं, 1000 कारसापन मिलने वाले हैं, इतने दिन के मैंने अब ये किया मिलने वाले हैं, तो अभी वो कारसापन की बात उसके मन में आती है, लेकिन जैसा जैसा धर्म में वो परिपक्व होते जा रहा है, तो अभी पैसे के तरफ भी उसका ज्यादा झुकाव नहीं, लोभ नहीं, और कुछ समय के बाद जाते जाते सीखते सीखते जाते जाते सीखते सीखते वो श्रोतापन्न बन गया, बड़ा फल मिल गया उसको। अब श्रोतापन्न बनने के बाद अनाथ पिंडक सोचता है कि उनको 1000 कारसापन मुझे और भी भेंट देने हैं, और भी मैं उसको ये कारसापन दे दूंगा। तो वो बुद्ध के सामने वो ले जाकर देने का प्रयास करता है, लेकिन उसके मन में आने लगा कि मेरे पिता आज मुझे 1000 कारसापन नहीं देंगे तो बड़ा अच्छा होगा, मुझे अब कोई कारसापन की जरूरत नहीं, ऐसा उसके मन के भीतर से ही भाव आने लगा, भीतर से आने लगा भाव। और अनाथ पिंडक 1000 सुवर्ण मुद्रा की थैली लेकर कहा कि बुद्ध के सामने दे दूंगा इसको, तो गया थैली लेकर कि अब इनकी 1000 हो गए, तो 1000 कारसापन में उसको देना है और बुद्ध के सामने दूंगा। उनके मन में भाव आता है कि मुझे इन्होंने नहीं देना चाहिए, मुझे नहीं लेना है अभी, और यह देने के लिए गया, और जब देने के लिए गया तो उसने 1000 सुवर्ण मुद्रा की थैली निकाल दी और बच्चे के हाथ में देने का प्रयास कर रहा है। तो काल नाम का लड़का कहता है, पिताजी अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, पिताजी अब जो मुझे धन मिला है वो इतना महान है कि मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। और इस समय तथागत बुद्ध उस घटना के अवसर पर बुद्ध अनाथ पिंडी को कहते हैं और काल को कहते हैं, लोग बैठे थे उनको कहते हैं कि एक बार श्रोतापन्न का रास्ता मिल जाने पर कोई आदमी किसी प्रदेश का राजा बन जाए, चाहे कोई एक क्षत्रिय राजा बन जाए पृथ्वी का, तो भी ये जो श्रोतापन्न पद है, श्रोतापन्न फल प्राप्ति है, वो बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। जिसने श्रोतापन्न फल के रस को चख लिया है, तो उसके लिए राजा बनना कोई बड़ी बात नहीं, पृथ्वी का राजा बनना भी कोई बड़ी बात नहीं। क्यों बड़ी बात नहीं? क्योंकि यदि वो पृथ्वी का एक क्षत्रिय राजा भी बन जाए, बहुत बड़े प्रांत का, बहुत बड़े देश का वो राजा बन जाए,
तो उनमें ये सिक्योरिटी नहीं कि मृत्यु के बाद वो दुर्गति में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सारे विश्व का राजा बनने पर भी मृत्यु के बाद वो दुर्गति में भी जा सकता है, निरय में भी जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं। वो बहुत बड़े देश का राजा बनने के बाद भी यदि उसके दुष्कर्म रहे, अच्छे विचार नहीं रहे, तो दुष्कर्म के कारण राजा बनने के बाद भी वो दुर्गति में जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, उसका अंत दुख बुरा और दुर्गति में हो सकता है। सारे विश्व का राजा बनने के बावजूद भी ऐसा अंत हो सकता है, वो अच्छे भी रास्ते पर जा सकता है लेकिन बुराई से यानी दुर्गति से वो निकल गया, ऐसी बात नहीं, वो जा सकता है दुर्गति में भी, लेकिन जो श्रोतापन्न बन गया होता है उसके लिए पूरी गारंटी होती है कि श्रोतापन्न व्यक्ति कभी भी दुर्गति में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। उनके सारे क्लेश वहां ले जाने के, सारे उनके क्लेश सारे विकार निकल चुके होते हैं मन के, उनका मन परिशुद्ध हो चुका होता है, उनका मन लोभ से, भय से, विकार से, द्वेष से पूरी तरह मुक्त हो गया होता है। और ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो अवस्था आने के बाद वो उनके जो दुर्गति के दरवाजे होते हैं, नीचे लोक के दरवाजे, पशु लोक का दरवाजा बंद हो गया, निरय लोक का दरवाजा बंद हो गया, द्रुत दुर्गति का रास्ता दरवाजा उसके लिए बंद हो गया। श्रोतापन्न बनने के बाद वो जन्म लेता है, लेकिन सात जगह सात बार जन्म लेगा, अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे अवस्था में जन्म लेगा, और ऊंचे अवस्था में जन्म लेकर वो सातवीं बार जन्म लेकर आठवीं बार वो परिनिर्वाण को पा लेता है। ये श्रोतापन्न फल की प्राप्ति होती है। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि चक्रवर्ती राजा होने के बावजूद भी वो दुर्गति से मुक्त नहीं हो पाता, लेकिन जो व्यक्ति एक बार श्रोतापन्न बन गया वो उससे मुक्त हो जाता है। ऐसे अवसर पर तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही, बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। पठविया एक रज्जेन सगस गमनेन वा सब लोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलंग वरंग, सोतापत्ति फलंग वरंग, ऐसी जो गाथा है। पठव्या एक रज्जेन सगस गमनेन वा सब लोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरं। यदि कोई आदमी सारे पृथ्वी का एक क्षत्रिय चक्रवर्ती राजा बन जाए, कोई व्यक्ति स्वर्ग के ऊंचे किसी लोक में चला जाए, स्वर्ग में वो जाने का प्रयास करे, उस स्वर्ग में जाने से भी बढ़कर है श्रोतापत्ति फल। पृथ्वी का एक क्षत्रिय राजा होने से भी बढ़कर है श्रोतापत्ति फल, श्रोतापन्न होना, क्योंकि श्रोतापन्न जो व्यक्ति होता है उनके निचले दुर्गति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति श्रोतापन्न नहीं होता और कितने भी बड़े हौदे पर हो, कितने भी बड़े पृथ्वी का वो राजा बन जाए, फिर भी उसके क्लेश नहीं निकलने के कारण वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, दुर्गति में भी जा सकता है, ऊंचे लोक में भी जा सकता है, लेकिन दुर्गति में भी जा सकता है, नहीं जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो गारंटी होती है श्रोतापन्न फल को, जिन्होंने पा लिया है, जीते जी पा लिया, उसके लिए वो गारंटी होती है। तो अनाथ पिंडिक को समझा रहे कि आज तुम्हारा बेटा, काल नाम का तुम्हारा बेटा ये श्रोतापन्न हो गया है,
अब 1000 मुद्रा की से कोई जरूरत नहीं, वो बख्शिश की अब कोई उसके मन में इच्छा नहीं, वो बहुत ऊपर उठ चुका है और उस रस को, धम्म रस को वो जानने लगा है, बड़े आनंद का, शांति का जीवन जीने लगा है। तो आनंद सुख शांति जो मिलती है वो मन के निर्मल होने से, मन के विकार धुल जाने से और परिशुद्धि की प्राप्ति, परिशुद्धि का साक्षात्कार होने से जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो आनंद, वो सुख सभी सुखों से बढ़कर माना जाता है, बढ़कर माना जाता है। यही लाभ जीते जी मिलाने का रास्ता तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है, जिनका लाभ करोड़ों करोड़ों लोगों ने लेकर अपने जीवन को सद्धम्भ के रास्ते में लगाकर अपने जीवन को धन्य धन्य किया। सद्धम्भ के रास्ते पर जो भी चलता है उसका जीवन मंगलमय धन्य धन्य बन जाता है। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले, यही मंगल भाव से सद्धम्भ की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप और भी हमारे YouTube के चैनल पर जाकर देखिए, वहां पर ये बुद्ध वाणी है, धम्म पद तो इतने महत्वपूर्ण है, धम्म पद यानी डायरेक्ट बुद्ध की वाणी है, एक बार नहीं बार 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 उसे सुना करे, ये बुद्ध की वाणी है। अपने लड़के बच्चों को सुनाया करे, अपने दोस्त मित्रों को सुनाया करे, ये धम्म की वाणी है, बुद्ध की वाणी है। और आज ये हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से ये बुद्ध धम्म का महान खजाना, महान धन दौलत हमें जो मिली है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये सारे जीवन को बदल देने वाली संपत्ति है, सारे जीवन को बदल देने वाली धम्म की शक्ति है, धम्म का बल है। उसका साक्षात्कार करें, बार बार उस धम्म को सुने, बार बार श्रवण करें, एक बार नहीं कई बार, और देखिए क्या लाभ होता है। धम्म पद ये तो बहुत ही कल्याणकारी, बुद्ध के मुख से निकाले हुए, बुद्ध के मुख से निकले हुए मंगलकारी वो वचन है, लोगों के हित और कल्याण के लिए बड़े सटीक शब्दों में बड़े मंगलमय ढंग से तथागत बुद्ध ने यह धम्म पद की गाथा कही है। तो उसको मिस ना करिए, अपने परिवार के लोगों को सुनाइए, अपने दोस्त मित्रों को सुनाइए, शेयर करें, उसका भी पुण्य पाइए आप शेयर करने का भी, कि जितना सद्धम्म को शेयर करेंगे, अच्छी बात को जितना शेयर करेंगे उतना पुण्य पाएंगे, उतना बल मिलेगा, उतनी शक्ति मिलेगी और मंगल होगा आप सभी का। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबका मंगल हो, यही मंगल मैत्री।